2021 का चौथा मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया, जिसमें राजस्थान रॉयल्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिए। पंजाब किंग्स के लिए कप्तान केएल राहुल और मयंक अग्रवाल धीमी गति से पारी का शुरुआत किए थे। केएल राहुल पारी को संभालते हुए शुरुआत में चौके की बरसात करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वे अपना अर्धशतक पूरा करके 50 गेंदों में 91 रन बनाकर आखिरी तक खेलकर चेतन की गेंदबाजी में कैच आउट हुए। वहीं मयंक अग्रवाल कुछ खास प्रभाव नहीं दिखा पाए। वे 9 गेंदों में 155.56 स्ट्राइक रेट के साथ 2 चौके की मदद से 14 रन बनाकर चेतन साकारिया की गेंदबाजी में संजू सैमसन को कैच देकर आउट हुए। तीसरे स्थान पर उतरे क्रिस गेल शुरुआत से ही चौके छक्कों की बरसात कर रहे थे। वे शानदार खेल खेलकर केवल 28 गेंदों में 40 रन बनाकर रियान पराग की गेंदबाजी में बेन स्टोक को कैच देकर आउट हुए। गेल के विकेट गिरने के बाद उतरे दीपक हुड्डा जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे थे। वे अपना अर्धशतक पूरा करके 28 गेंदों में 64 रन बनाकर क्रिस मॉरिस की गेंदबाजी में रियान पराग को कैच देकर आउट हुए। पांचवें स्थान पर उतरे निकोलस पूरन बिना कोई खाता खोले क्रिस मॉरिस की गेंदबाजी में चेतन को कैच देकर आउट हुए। निकोलस के विकेट गिरने के बाद उतरे शाहरुख खान अच्छी बल्लेबाजी करके एक चौके की मदद से 6 रन बनाकर अजय रहे और रिचार्डसन शून्य पर चेतन साकारिया की गेंदबाजी में क्रिस मॉरिस को कैच देकर आउट हुए। इसी के साथ किंग्स पंजाब 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 221 रन बनाए और यह सीजन में पहला टीम है जो 200 रन पार किए। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों में चेतन साकारिया जो कि डेब्यू खिलाड़ी हैं, वे अच्छी गेंदबाजी करके ओपनर्स का विकेट लिए। उन्होंने अपने 4 ओवर में 3 विकेट लिए। मुस्तफिजुर रहमान अपने 4 ओवर में 11.25 इकोनॉमी रेट के साथ 45 रन दिए और यह एक्सपेंसिव रहा। क्रिस मॉरिस शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 10.25 इकोनॉमी रेट के साथ 41 रन देकर 2 विकेट लिए। श्रेयस गोपाल 3 ओवर में 13.33 इकोनॉमी रेट के साथ 40 रन दिए। बेन स्टोक 1 ओवर डाल के 12 इकोनॉमी रेट के साथ 12 रन दिए। राहुल तिवाटिया 2 ओवर में 12.50 इकोनॉमी रेट के साथ 25 रन दिए। रियान पराग शानदार गेंदबाजी करके क्रिस गेल का विकेट लिए और वे 1 ओवर में 7 इकोनॉमी रेट के साथ 7 रन दिए और शिवम दुबे 1 ओवर डाल के 20 इकोनॉमी रेट के साथ 20 रन दिए। किंग्स पंजाब के कप्तान केएल राहुल जबरदस्त खेल खेलकर शुरुआत से ही धैर्य से खेल रहे थे। वे मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल, दीपक हुड्डा और शाहरुख खान इन सभी के साथ अच्छी साझेदारी निभाए, लेकिन दीपक हुड्डा के साथ 105 रनों का साझेदारी बनाकर अपने टीम स्कोर को 200 कराने में मुख्य भूमिका निभाए। वे 50 गेंदों में 182 स्ट्राइक रेट के साथ 7 चौके और 5 छक्के की मदद से 91 रन बनाकर चेतन साकारिया की गेंदबाजी में राहुल तिवाटिया को कैच देकर आउट हुए। दीपक हुड्डा जबरदस्त खेल खेलकर शुरुआत से ही छक्कों पे छक्का लगाकर राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों के नाक में दम कर दिए। वे केएल राहुल के साथ 105 रनों की साझेदारी बनाकर केवल 28 गेंदों में 228.57 स्ट्राइक रेट के साथ 6 छक्के और 4 चौके की मदद से 64 रन बनाकर क्रिस मॉरिस की गेंदबाजी में कैच आउट हुए। क्रिस गेल शानदार खेल खेलकर केएल राहुल के साथ 67 रनों की साझेदारी बनाए। वे केवल 28 गेंदों में 142.86 स्ट्राइक रेट के साथ 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 40 रन बनाकर आउट हुए। राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों में चेतन साकारिया भारत के युवा खिलाड़ी और आईपीएल में उनका डेब्यू मैच रहा। वे अच्छी गेंदबाजी करके शुरुआत में मयंक अग्रवाल और अंत में केएल राहुल एवं रिचार्डसन का भी विकेट लिए। वे अपने 4 ओवर में 7.75 इकोनॉमी रेट के साथ 31 रन देकर 3 विकेट चटकाए। भारी लक्ष्य को पीछा करने के लिए बेन स्टोक मनन वोहरा के साथ क्रीज पर आए थे,
लेकिन बिना कोई रन बनाए बेन स्टोक्स मोहम्मद शमी की गेंदबाजी में उन्हीं को कैच देकर आउट हुए और मनन वोहरा भी मैदान पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। वे केवल 12 रन बनाकर अर्शदीप के गेंदबाजी में उन्हीं को कैच देकर आउट हुए। तीसरे स्थान पर उतरे संजू सैमसन शानदार खेल खेलकर अपना शतक पूरा करे और वे केवल 63 गेंदों में 119 रन बनाकर कैच आउट हुए। चौथे स्थान पर उतरे जॉस बटलर अच्छी बल्लेबाजी करके 13 गेंदों में 25 रन बनाकर रिचर्डसन की गेंदबाजी में बोल्ड आउट हुए। बटलर के बाद उतरे शिवम दुबे भी अच्छी बल्लेबाजी करके संजू सैमसन के साथ अच्छी साझेदारी निभाए। वे 15 गेंदों में 153.33 स्ट्राइक रेट के साथ 3 चौके की मदद से 25 रन बनाकर अर्शदीप की गेंदबाजी में दीपक हुडा को कैच देकर आउट हुए। छठे स्थान पर उतरे रियान पराग अपना खाता चौके से खोले और वे 11 गेंदों में 25 रन बनाकर मोहम्मद शमी की गेंदबाजी में कैच आउट हुए। राहुल तिवाटिया केवल 4 रन बनाकर मेरिडिथ के गेंदबाजी में केएल राहुल को कैच देकर आउट हुए और क्रिस मॉरिस 4 गेंदों में 2 रन बनाकर अजय रहे। और इसी के साथ इस रोमांचक मैच में किंग्स पंजाब 4 रन से जीत हासिल किए। दूसरी तरफ पंजाब किंग्स के गेंदबाजों में मोहम्मद शमी 4 ओवर में 35 रन देकर 2 विकेट लिए। वही रिचर्डसन अपने 4 ओवर में 13.75 इकोनॉमी रेट के साथ 1 विकेट लेकर 55 रन दिए और एक्सपेंसिव रहे। अर्शदीप अच्छी गेंदबाजी करके मनन वोहरा शिवम दुबे और संजू सैमसन का विकेट लिए और वे 4 ओवर में 35 रन दिए। रिले मेरिडिथ 4 ओवर में 12.25 इकोनॉमी रेट के साथ 49 रन देकर 1 विकेट लिए और मुर्गन अश्विन अपने 4 ओवर में 10.75 इकोनॉमी रेट के साथ 43 रन दिए। संजू सैमसन जबरदस्त खेल खेलकर बटलर शिवम दुबे और रियान पराग के साथ अच्छी साझेदारी निभाए। वे चौके छक्कों की बरसात करके अपना शतक पूरा करे और आईपीएल में इनका यह 3रा सेंचुरी है और डेब्यू कप्तानों में पहले खिलाड़ी हैं जो सेंचुरी बनाए। वे केवल 66 गेंदों में 188.89 स्ट्राइक रेट के साथ 12 चौके और 7 छक्कों की मदद से 119 रन बनाकर आखिरी ओवर में अर्शदीप की गेंदबाजी में दीपक हुडा को कैच देकर आउट हुए। अर्शदीप शानदार खेल खेलकर अपने 4 ओवर में 8.75 इकोनॉमी रेट के साथ 35 रन देकर 3 विकेट लिए। वे आखिरी ओवर डाल के पंजाब टीम्स को जिताए और रियान पराग भी शानदार खेल खेलकर अपने पारी में 3 छक्का लगा के 11 गेंदों में 25 रन बनाए और वे संजू सैमसन के साथ 52 रनों का साझेदारी बनाकर मोहम्मद शमी की गेंदबाजी में केएल राहुल को कैच देकर आउट हुए। जॉस बटलर अच्छी बल्लेबाजी करके संजू सैमसन के साथ 45 रनों की साझेदारी बनाए। वे 13 गेंदों में 192.31 स्ट्राइक रेट के साथ 5 चौके की मदद से 25 रन बनाकर क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए।